मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या है ये, ये सार्वजनिक वाचनालय का काय है? कोई शिस्त ही नहीं है किसी में। सब यहाँ पे बेशिस्त लोग भरे हुए हैं, कोई पेपर ठीक से रखता ही नहीं है। कैसे रखेंगे, आदमी रखा है ना काम करने के लिए यहाँ पे। ये सब काम करूंगा तो मैं अपने काम कब करूंगा? जो सुविचार लिख देता हूँ। अरे देवा, इतना सही चौक बचा है, अभी क्या सुविचार लिखूंगा मैं? कमाल है, हाथ में खुजली क्यों हो रही है आज? मेरे भाई पैसा आने वाला है, पैसा। अरे कितना अंधविश्वास, मिल गया सुविचार। अंधविश्वास, अंधविश्वास को मानना सबसे बड़ी बेवकूफी है। करेक्ट। खत्म हो गया। अरे जाने देना यार, अभी उसमें क्या तो क्या। भीड़ अंकल, आप भीड़ अंकल ही हो ना? कहते मतलब भीड़ अंकल, आप हमारे मास्टर, गुरुजी, शिक्षक भीड़े सर ही हो ना? क्या कहना क्या चाहते हो गोड़िया? वेरी बैड भीड़ अंकल, वेरी बैड। अरे बट व्हाट इज बैड? बाबा आपने ऐसा कैसा सुविचार लिखा है, अंधविश्वास को मानना। हाँ भीड़ अंकल, आप ही तो हमेशा कहते हो इन सब चीजों में नहीं मानना चाहिए। मैंने मेरी बात सुनो। अरे ये हाथ जगड़ी तोड़ना रोबोट। हाँ भीड़ अंकल, ये लो भीड़ अंकल, ये लो। ये वक्त चुपचाप रहने का नहीं है, जल्दी अपनी घड़ी दे दो। ये लो बेटा, ये लो, ये लो। घड़ी क्यों दे रहे हो मुझे? आपने तो बोला हाथुन घड़ी दो। अरे छोटे सोड़ी, मैंने बोला हाथाची घड़ी तोंडोर बोट। जैसे खड़े ना वैसे खड़े हो जाओ। अभी मेरी बात सुनो। ये जो मैंने लिखा है ना अंधविश्वास को मानना, ये सुविचार नहीं है। मैं ये लिखने वाला था कि अंधविश्वास को मानना सबसे बड़ी बेवकूफी है, लेकिन मैंने अंधविश्वास को मानना लिखा और मेरा चौक खत्म हो गया। समझ गए? ओह ऐसे, सॉरी सॉरी भीड़ अंकल। लेकिन भीड़ अंकल, जब तक नया चौक नहीं आएगा तब तक सुविचार ऐसा ही रहेगा। आपकी इमेज खराब हो जाएगी भीड़ अंकल। हाँ। अरे मैं क्या पागल हूँ जो ऐसे ही रखूंगा ये? मैं अभी पहुँच देता हूँ, रफ कर रहा हूँ अभी। अरे भीड़ अंकल पहुँच रहा हूँ ना मैं। भीड़ अंकल मेरे पास चौक है, आपने रब क्यों किया? हाँ। चौक तुम लोग के पास कैसे? भीड़ अंकल हम लोग ने चौक खेलने के लिए लिया था। हाँ। हाँ। चौक से क्या खेलना चाहते थे तुम लोग? वही, कुछ सूझा ही नहीं इसलिए वापस रखने आ रहे थे। हाँ। कमाल है, तुम लोग भी ना कमाल हो, इधर लाओ। पोपट अंकल देखो सूट बूट पहन के कहीं जा रहे। जाओ जाओ पूछो कहाँ जा रहे, जाओ जाओ जाओ। हमारे ईमान से पोपट अंकल, हमें गुजराती में शादी होती है ना तब ये गीत गाते हैं। अच्छा गाइए गाइए गाइए। हाय पोपट अंकल। हाय पोपट अंकल। हाय पोपट अंकल। हाय टप्पू सेना। हाय हाय दया आंटी। हाय दया आंटी। हाय दया आंटी। हाय दया आंटी। हाय हाय हाय, कितना हाय हो गए नहीं? क्या बात है पोपट अंकल, आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? हमारी आंटी मिल गई क्या? पोपट अंकल। सोनू बेटा, जितनी प्यारी तुम हो उससे ज्यादा प्यारी बात बोल दी तुम। टप्पू सेना, तुम्हारी आंटी को लेने ही मैं और दया भाभी मैरिज ब्यूरो जा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। वाह वाह पोपट लाल वाह, मुंबई के सभी मैरिज ब्यूरो में तुम लगभग 10-10 बार जाकर खोटे सिक्के की तरह वापस आए हो, लेकिन फिर भी ये भी सच सच के मैरिज ब्यूरो जा रहे हो। तुम्हें उत्साह को मानना पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। अरे भीड़ भाई उत्साह तो हो गई ना, क्योंकि पोपट भाई को आज सुबह सपना आया है कि उनकी शादी हो गई है। ओ।
अरे हाँ मालूम है दया भाभी, सुबह सुबह वही बताने के लिए मेरी नींद बिगाड़ी थी इसने। अरे भाई भिड़े, कल रात को तूने ही बताया था ना अब्दुल की दुकान पे कि सुबह के सपने सच होते हैं। अरे वो तो मैंने ऐसे बोल दिया था, मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम्हें सच में सुबह का सपना आएगा। वैसे आशा तो नहीं है, फिर भी मेरी पूरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है कि तुम्हारा आज का सपना सच हो जाए और जल्द ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक दुल्हन आ जाए। गाड़ी में कौन आया है? वायरस नहीं, मेरा नाम तो साइरस है, साइरस साहूकार। साहूकार? अब कहाँ के साहूकार हो? नहीं मेरा बस नाम साहूकार है, एक्चुअली मैं कोई सेठ या साहूकार हूँ नहीं। अच्छा पर वो आपको कहना पड़ेगा, आपकी रिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। रिंग? कौन सी रिंग? वो सब खेलो सब जीतो पे आप सब परिवार को गेम खिलवाते हो ना? हैं? खिलवाता हूँ? नहीं नहीं नहीं। खिलवाता हूँ, एंकरिंग की बात कर रहे हैं। एंकरिंग की रिंग बोल रही थी दया भाभी। सरस भाई आपका गोकुलम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और जी मैं हूँ आत्मारम तुकारम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक मेव सेक्रेटरी। आप जानते हैं मुझे? आपको नहीं, नहीं मैं पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वाह, केम छो दया बेन, आपका गरबा तो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। आपको तो सब पता है। और पोपटलाल जी, शादी करने का इरादा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल इरादा है, अभी उसी के लिए तो जा रहे हैं मैरिज ब्यूरो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओहो टप्पू सेना, तुम्हारे तो बड़े किस्से सुने हैं मैंने, बहुत शरारत करते हो। वैसे सरस भाई आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? अरे आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सब खेलो सब जीतो एक फैमिली शो है और आपकी इतनी बड़ी फैमिली है कि हम सामने से खेलने आ गए। वो तो है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक फैमिली ही है। आपके शो के निर्माता आसित कुमार मोदी जी है ना? हाँ, देखा, जानकारी है मुझे, वो हम सब उन्हें अच्छी तरह से जानते है, उनके शो सब देखते है। साइरस सर, सैटरडे संडे 8 बजे हम आपका प्रोग्राम विदाउट फेल देखते हैं। आज तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। सर, अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। हल्के फुल्के गेम्स खिलाते हैं ना कि मजा आ जाता है। थैंक यू पोपट साहब। पोपट अंकल, सिर्फ गेम्स हल्के फुल्के होते हैं, इनाम तो एकदम भारी भरकम होते हैं। जानता हूँ ना, LCD टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब मिलता है। हाँ सर, हमारा भी मन करता है खेलने का। बहुत मन करता है। ओए, मेरा मन करता है कि मैं टीवी के अंदर चला जाऊं और फिर गेम खेलने लगूं। अरे टीवी में घुसने की कोई जरूरत ही नहीं है, आज मैं टीवी से बाहर आ गया हूँ, यहाँ पे ही खेलते हैं। सच्ची? आप सच में हमारे साथ गेम खेलेंगे? हाँ। सरस भाई आप मजाक मत कीजिए, आपकी गेम तो टीवी में खेली जाती है ना। अरे दया बहन, जब वहाँ खेलेंगे तो खेलेंगे, आज यहाँ खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। सच्ची? हाँ। ओके, गेम के लिए तैयार? यस। ठीक है, गेम का नाम है स्पून से स्पून मिला। देखिए आपके पास एक स्पून है और ये रहा बॉल, आपको करना ये है कि स्पून मुंह में डालना है और एक दूसरे को ये बॉल पास करनी है, लेकिन कहानी में है एक नमकीन ट्विस्ट। आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अगर बाय चांस ये बॉल कहीं गिर गई तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। और बैलेंस के लिए आपको दिए गए हैं खली के जहाजी जूते।
शुरू करें? गोली तैयार? तैयार। स्पून मुंह में डालिए और ये रहा आपका बॉल। गोली टप्पू बेस्ट ऑफ लक, फुल फोकस में खेलिएगा। 3, 2, 1। वेरी गुड गोली, फोकस गोली, फोकस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखे देखो, थ्रो देख के देखो, बड़ा ही आसान गेम है। आप तीनों इस तरफ होंगे, आप वहां अकेली हैं, आप तीनों को इनकी तरफ बॉल फेंकना है, आपको उस बॉल को इस बास्केट में पकड़ने हैं। अगर आपने 90 सेकंड में 20 बॉल पकड़ लिए तो आप लोग जीत जाएंगे। सिंपल है ये तो, बहुत इजी है। सर सर सर, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बॉल फेंकते वक्त आपको पहनने पड़ेंगे मेरे फनी मास्क। इन मास्क को पहनने के बाद हम तो आपको देख सकते हैं लेकिन आप हमें नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, यह है ब्लाइंड फोल्ड मास्क। ओके, खेलने के लिए तैयार? याद रखिए 90 सेकंड में आपको 20 बॉल फेंकने हैं। बोलो श्री अम्बे, मास्क की जय। ओके, लेट्स प्ले। 3, 2, 1। गिनती का समय आ चुका है, अब देखना यह है कि क्या आपके बास्केट में 20 बॉल है कि नहीं। आपके ख्याल से हो जाएगा? मुझे तो लगता है। बहुत अच्छा खेले हैं आप। अब गिनती का समय आ गया है, सब तैयार हो जाइए। ओके, 1, 2, 3। सब टीवी पर सब खेलो सब जीतो खेल रहे होते तो आप लोग तो सब कुछ जीत जाते यार। रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, टेलीविजन, फोन, सब कुछ। अरे साइरस भाई, ये सब चीजें मिल भी जाए तो क्या है, जो मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। आप एक काम कीजिए, आप एक शादी स्पेशल एपिसोड बनाइए, उसमें उन सारी कन्याओं को आमंत्रित कीजिए जिनकी अभी तक शादी ना हुई हो, और फिर मुझे भी आमंत्रित कीजिए और उन सबसे शादी रिलेटेड खेल खिलवाइए। मैं वादा करता हूँ कि मेरी शादी अगर आपके शो में तय हो गई तो मैं सामने से आपको वॉशिंग मशीन, LCD और फ्रिज दूंगा। क्या बोल रहे हो पोपटलाल, वो फ्रिज हो गए देखो। सॉरी यार सारे जी, क्या है इनको शादी रिया हुआ है, मतलब शादी का बुखार चढ़ा है इनको। बहुत साल से इंतजार कर रहे हैं ना, शादी नहीं हो रही है इसलिए। डोंट माइंड ना प्लीज। अच्छा, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए फिलहाल मेरे जाने का टाइम हो गया, लेकिन आप सबसे मिलकर बहुत मजा आया, बहुत अच्छी तरह खेले आप सब। और याद रखिए अब टीवी पर मिलेंगे शनिवार और रविवार को 8 बजे। ओके बाय, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके बाय, थैंक यू।
आज तो गोल्धन है नक्की, मतलब पोपट भाई आज तो आपका नक्की हो ही जाएगा। दया भाभी मुझे भी अंदर से कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ हाँ रानी ही बोल रही हूँ, अभी तक शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिला। मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? Myself, पत्रकार पोपटलाल, वरिष्ठ युवा पत्रकार। भाभी नमस्ते। पोपट भाई की अभी तक शादी नहीं हुई, इसके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ बाजू की सोसाइटी है ना, गोकुलधाम सोसाइटी, वहीं पर ही रहते हैं। मेरा अपना खुद का घर है और बहुत ही अच्छे और भले इंसान है। दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ ये बताइए कि शादी का मुहूर्त कब का निकालना है। What's wrong with you? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। हाँ तो वेरी गुड। देखिए शादी के बाद अगर आप काम कंटिन्यू करेंगी तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह देखा, क्या बकवास कर रहे हैं आप। अरे आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है और आपके सामने मोस्ट एलिजिबल बैचलर खड़ा है। हाँ बेन। अच्छा अच्छा वो, अरे नहीं नहीं, मैं अपने लिए लड़का नहीं ढूंढ रही हूँ। हमारी एक कस्टमर है, मैं उनके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। उनको NRI लड़का ही चाहिए, बस उन्हीं का फोन था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, काश मैं NRI होता। वैसे आपकी शादी? नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई। पर बहुत जल्दी होने वाली है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है धनराज चिनोय, यही है, अभी बुलाती हूँ। धनु। हाँ बोलो रानी। ये धनराज चिनोय। ये आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो धनु, इनको फॉर्म दे दो। हाँ आइए। नहीं नहीं आप लोग रहने दीजिए, वो फॉर्म तो पोपट भाई का हमने पहले से ही भर दिया है और सपना बहन से बात भी हो गई है, बस उनसे मिलना है। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? दया टप्पू के पापा गड़ा। हाँ? आप सिर्फ दया बिन गड़ा ही ऐसा बताइए। ओके। इनको टप्पू के पापा समझ में नहीं। सॉरी मुझे। हाँ मैम, आपसे कोई दया बहन मिलने आई है। ओके जी मैम, अंदर है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। आइए पोपट भाई। मैं क्या कहती हूँ धनु, आज हम लोग ना जो भी चाहें। बोलो प्यून को मैनेजर मिल गई, देखा? ओ भाई किसको बोल रहे हो? ओ सॉरी सॉरी भाई साहब, आपको नहीं, वो ऊपर भगवान को बोल रहा था। फिर ठीक है। पोपट भाई। हाँ 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 सॉरी। आइए आइए ओ मेरी शादी करा दो, ओ मेरी शादी करा दो, ओ मेरी, अरे भैया मेरी शादी नहीं, ये सेहरा भी ना बड़ी कमाल की चीज है। एक बार पहन चुका हूं, एक बार ये गलती कर चुका हूं, इसलिए दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करना चाहता। मेरी शादी करा दो, ये नारा तो हमारे मित्र पोपटलाल का है भाई, शादी के लिए बड़े बेताब है। और इस वक्त 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में स्थिति ठीक वैसी है जैसे कोई रस्सी बम जल रहा हो, यानी कि सपना ने अगर पोपटलाल के लिए वहां कोई शादी के लिए लड़की ढूंढ के रखी होगी तो खुशी का धमाका होगा, और अगर सपना ने पोपटलाल की शादी के लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ के रखी तो पोपटलाल बॉम्ब की तरह फटने वाले। दोस्तों वैसे पोपटलाल की शादी के लिए जितने पोपटलाल बेताब है शायद उतने ही बेताब अब हम लोग भी हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई किसी तरह से पोपटलाल जी का ये सुबह का सपना सच हो जाए। वैसे आपको एक बात बताऊं, किसी को बताना मत और खास तौर पे पोपटलाल को तो कतई मत बताना। पोपटलाल की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है, बता दो बता दो, बता देता हूँ, पोपटलाल की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि पोपटलाल की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या होगा वो नहीं बताऊंगा, वो आप देखेंगे मेरे साथ अगले एपिसोड में, यानी कि पोपटलाल की सुबह का ये सपना जो उनकी शादी का है वो कितना रंग लाता है, कितनी उमंग लाता है आपके घरों में, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.